अडानी ग्रुप अपने साम्राज्य का विस्तार करने का सोच रही है। जी हां, अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट ने सेक्टर में अपने दबदबे को बढ़ाते हुए ओरिएंट सीमेंट के एक्विजिशन का ऐलान किया है। अंबुजा सीमेंट इस एक्विजिशन के लिए 8,100 करोड़ रुपए के करीब खर्च करने जा रही है। कंपनी अपने पास अवेलेबल फंड्स के जरिए इस खरीदारी को पूरा करेगी। इस एक्विजिशन के बाद अडानी सीमेंट का टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी सालाना 97.4 MTPA टन हो जाएगा और मार्च साल 2025 तक कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर 100 मिलियन तक कर देगी। स्टॉक एक्सचेंज के पास रेगुलेटरी फाइलिंग में अंबुजा सीमेंट ने बताया कि ओरिएंट सीमेंट के अधिकरण के बाद अंबुजा सीमेंट को साउथ और वेस्ट इंडिया में प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाकर सालाना 8.5 मिलियन टन करने की मदद मिलेगी। साथ ही अडानी सीमेंट के मार्केट शेयर में 2% का इजाफा होगा। रेगुलेटरी फाइलिंग में कंपनी ने बताया कि ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड की 37.90% हिस्सेदारी, जो 7.76 करोड़ के करीब इक्विटी शेयर्स को खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया गया है। इसके अलावा कंपनी 8.90% हिस्सेदारी का भी अधिग्रहण करेगी। अंबुजा सीमेंट इसके अलावा 26% हिस्सेदारी के तहत 5.34 लाख करोड़ शेयर्स ओरिएंट सीमेंट के मौजूदा शेयर होल्डर से खरीदने के लिए 395.40 रुपीज पर शेयर के भाव पर ओपन ऑफर लेकर आएगी। अंबुजा सीमेंट ने बताया कि 3 से 4 महीने में इस अधिकरण को पूरा कर लिया जाएगा। ओरिएंट सीमेंट के अधिकरण के बाद साल 2025 तक अंबुजा सीमेंट का सालाना कैपेसिटी 100 मिलियन टन हो जाएगा, जिसे साल 2028 तक बढ़ाकर कंपनी ने 140 मिलियन टन करने का टारगेट फिक्स किया है। इससे पहले अडानी समूह ने सांघी सीमेंट लिमिटेड का अधिकरण दिसंबर साल 2023 में किया था। इस वर्ष समूह ने पैना सीमेंट को भी खरीदने का ऐलान किया था। इस अधिकरण पर अंबुजा सीमेंट के डायरेक्टर करण अडानी ने कहा कि सही समय पर किए गए अधिग्रहण अंबुजा सीमेंट के ग्रोथ को रफ्तार देने में मदद करेगी, साथ ही 2 वर्षों में 30 मिलियन टन क्षमता बढ़ाया और जाया जा सकता है। आपको इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.